एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? सोच रहे होंगे बहन गायब भी हो गया भाई साहब। गायब शायब नहीं होते, बिजी हूँ, यू नो आई एम टू मच बिजी पर्सन। मैं ऐसी वेली शेली बंदी नहीं हूँ जो आप भाई व्लॉग बनाऊँ। नहीं यार, खैर वाकई में मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी पिछले दिनों। आप देखना चाहेंगे कि मैं क्यों मसरूफ़ थी? तो आज चले आए हम, देखते हैं हम क्यों मसरूफ़ थे। यहाँ तक सीलिंग वगैरह कंप्लीट हो गई और घर की हालत इतनी अर्लीज हुई भी है ना कि मेरा घर कभी ऐसा नहीं था। और ये वाली भी बहुत प्यारी हुई है, देख रहे हैं किस कदर मलबा पड़ा हुआ है। दिल तो करता है शेर को इस मलबे के अंदर फेंक दो। शेर को वैसे इस मलबे में फेंक देना चाहिए है ना शेर, तो मलबे में जो जिंदगी हमारी सुकून हो जाती है, उठा के हमारे शक्ल मलबे जैसी होती है, मलबा मिलता जुलता है इसकी शक्ल। मेरे खिलाफ बातें नहीं करो तुम। ये दो माँ बेटे जो ने बड़े मीस ने बोल ये दोनों जो है ना, ये किसी न किसी की यकीनन बुराई कर रहे हैं। और आप लोग बैठे किस में, देखिए ये सीमेंट वाले त्रोड़े में बैठे हुए। हर घर की हालत इस कदर गलीज हुई हुई है। हाँ करो करो बुराई, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, अल्लाह ताला इंतजाम दे कि मुझे जन्नत में आना पड़े। और ये रूम की सीलिंग हुई है, यहाँ पे भी लाइटों वगैरह का कनेक्शन वगैरह नहीं है तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती। यहाँ पे जो हमारा वो एरिया था ना, जहाँ पे वो ना मतलब पता नहीं आपने देखा होगा व्लॉग शुरू होगा, वो सीन था। तो अब ना वो बंद हो चुका है, लाइट पे हाथ रखना। तो ये स्विच बोर्ड छोड़ लग चुके हैं, ये बेड मेरा जो था बेचारा चला जाएगा मेरा बेड भी। तो बस ना अब ये हो रहा है सारा कुछ, बस आप देख लें कि ऐसा ऐसा कुछ सिस्टम है घर का हमारे। इंशाल्लाह आपको ना आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। हमारे लिए अभी तो 4 दिन सब्र करना, तो 4 दिन नहीं बल्कि ज्यादा ही, तो ना बस सब्र सब्र करना पड़ेगा। ये बैठ के हमें व्लॉग बना रहे, क्या बना रहे, क्या व्लॉग में बोल रहे हैं पूरे करे तू बात गया। दोबारा से बोल, कैसे बोला था, कैसे इधर देख रही है आपका व्लॉग बन रहा है, यहाँ पे आप व्लॉग बनाए कैसे, आप शेर बताए यार वैसे मैं करूं तो फेमस हो जाऊं। चल कर, कैसे करता, एक दफा करना। सलाम अलैकुम लोगो, जुकाम ने लगा है, ठंड बड़ी हो गई है, बत्तियां वाला ऐसी चलिया नहीं मारी की गया थे उन्हें घर में सारे तो मिट्टी मिट्टी हो गई। किसी देख मोबाइल टांग नहीं इसका पकड़ के आता क्यों यार, ऐसे अपनी दादा तो कार ले रहे थे खान खान इधर कर रहे थे, मैं उन्हें ऐसा करो कहा लोगों लोगों तो बहुत जेल है यार। मैंने आज इतने प्यारे नए शूज पहने हुए हैं इसीलिए मैं नहीं निकालना चाह रही हूँ। पर बैठे हैं झाड़ू कि बहार पिया उसके मेरी मैं डोला पाया कह रही है तू अपने सिरो पैसे दे, मेरे को लैन नहीं तको, मैं गरीब बंदा हूं बहन जी, मेरे घर इस मेरे चैनल नु लाइक ते सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को पैसे आवन ते मैं झाड़ू लेवां। मैं झाड़ू लाया सी चिड़िया मारियां से, अज कहने हैं तो पैसा दे जिस विदाउट नेट हमारा गुजारा नहीं देंगे। आप हमने शॉपर बात के करेक्शन किया हुआ, गरीबी में जीना भी एक कला है जी। तो गाइस अभी ना यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी हो चुकी है और ये मतलब अभी थोड़ी सी सीलिंग की हुई है, बाकी कनेक्शन वगैरह हो चुके हैं, तो अभी बस इतना ही मजीद काम हुआ है।
आज ना हमारी ये टाइल्स वगैरह लग चुकी हैं और ये देखिए अलमारी वगैरह सब कुछ टूटा फूटा हुआ, किचन सब कुछ खराब करूँ, सीलिंग वगैरह हमारी क्लियर हो चुकी थी। उसके बाद ये है जी हमारी अलमारी भी चेंज हो चुकी है, इसको भी हमने काफ़ी चेंज करवाया, थोड़ी सीलिंग शीलिंग भी हो चुकी है। बस अब काम थोड़ा बहुत ही रह गया है, थोड़ा थोड़ा बीच में मुझे याद आ रहा था कि मैंने व्लॉग श्लॉग भी बनाना है, फिर मैं कुछ वक्त बना ही लेती हूँ। रहता हूँ हम लोग ऊपर चाची के पास हैं और बस इंशाल्लाह जल्द ये बस क्लियर हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह आपको फाइनल लुक भी अच्छी सी इसी व्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं अलग अलग व्लॉग क्या डालूं, एक ही व्लॉग डालेंगे उसी में सारा कुछ दिखा देंगे। तो गाइस आज हमारी ये अलमारी भी कंप्लीट हो चुकी है और अंकल अभी बाहर वाली अलमारी बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वो बाहर वाली अलमारी बना रहे हैं, तो वो भी काम हो रहा है बस धीरे धीरे, अब पता नहीं है हाँ ऐसे ऐसे हाँ बस धीरे धीरे सब कुछ लगा हुआ है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको दिखाते हैं। अभी मैं शेर के साथ जरा जा रही हूँ, बाय। हम तो गा रही तुम रहे हो ना सारा जी। तो गाइज ये है आज का सारा सामान शमान आ गया, बच्चे शरीर सफाइयाँ करें, अच्छी अच्छी सफाई करो शहीद, यू नो कि तुम्हें पता तुम बहुत काम करो, अच्छी सही सही सफाई करो, सारा काम साफ करो जल्दी करो जल्दी करो। तो ये हमारा जी रूम तैयार हो रहा है, इस पर शीटें वगैरह लग रही हैं और ना बस ये दराज जी। तो गाइज रूम हमारा सारा डन हो चुका है, बहुत ही प्यारी सी ना हमने शीटें लगवाई हैं, वैसे ना ये सारी कुछ ना मेरी ही पसंद है, ये बहुत प्यारी सी ना मतलब शीटें हैं। और ना अब हम ना बाहर आपको चल के दिखाएंगे, मामा इनसे ना कोई इंक्वायरी करवानी है यहाँ पे ना यार, ये मैं ग्रास लगा रही हूँ क्योंकि बहुत ही प्यारी लग रही है, और ये मेरे बाहर का वो शीटें लगी हैं, पैनल कहते हैं ना हाँ, ये पैनल लगे हैं और ये भी बहुत ही ना ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, और बाकी भी जो बाहर वाला काम है वो भी हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ने भाई हमारी ये जो तैयार किया वॉल, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, मतलब मज़ा ही आ गया देख। और मैं भी कॉलेज हाल चाल में हाल ही हूँ, मैं ज़रा चेंज चेंज कर रहा हूँ। ये वाला मेरा बहुत ही खूबसूरत सा सोफ़ा है, ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये जी हैं जी हमारे किंग चेयर्स जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है यार, आउटस्टैंडिंग फर्नीचर तैयार हुआ हमारा। ये मेरा सोफ़ा नहीं, ये क्या था टेबल और ये मामा का टेबल है, और ये मेरा सोफ़ा वगैरह और ये दीवान। अभी जो बेड बहुत खूबसूरत तैयार हुए हैं, अभी वो इंशाल्लाह लाएंगे तो बेडशीट भी दी है लेके आओ मैम, यार कितने वो मज़े के लग रहे हैं छेड़ना नहीं आपने, आपके नहीं हम दोनों के, क्योंकि हम दोनों बाहर नहीं आप बाहर फिक्स हो गई जल्दी उसे बड़ी दयात कर। खैर है मोमोड़ा मेरी मामा जो है ना जी, यू नो सफाई की बहुत, तो बस ना अब क्या कह सकते हैं, थोड़ी बहुत है अच्छा सिंगल डबल हाँ, तो भाई सब बहुत खूबसूरत फर्नीचर है भाई, ऐसा ऐसा फिक्स करेंगे। ये हमारा रूम, मामा कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखिए जरा इसने मुझे किधर बंद कर दिया पीछे आगे, ये बेड हमारा लग रहा है जी माशाल्लाह, बेड भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, मुझे इन्होंने अंदर घुसा दिया, बाहर निकल के मैंने व्लॉग बनाना था, इज्जत ही नहीं है इस घर में मेरी को। अरे मुझे मेरा बेड देखने की ज़्यादा वो हो रही है, मैंने अपना बड़े शौक से बेड बनवाया जी, तो मेरी मामा का लग रहा है, फिर आपको दिखाते हैं न्यू क्या। जी तो गाइस ये लग चुका है जी मेरा फर्नीचर, ये वाली जो दो चेयर्स है ना ये मैंने बड़ी शौक से अपनी बनवाई थी कि यार मतलब ना मतलब मैं जब वहाँ पे देख के आई थी तो मैंने कहा था अब मुझे ये ही बनवानी है, और ये मतलब मेरे मुताबिक बहुत बड़ी बड़ी है, पर फिर भी मैंने कहा मैं रखूँगी, अब जगह इतनी है मेरा कोई कसूर नहीं है। और ये मेरा बेड जी बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, ये वाली चीज़ तो छुपी गई है, ये हमने लगवाई थी जी ग्रास, ये भी मुझे ना बहुत मैंने उस पर जद्दोजहद की थी कि ये मुझे कैसे लगवानी है और क्या कुछ करना है, फिर उसने मुझे जी बताया ऐसे 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 लगेगी, और इसके साथ ये प्यारा सा टेबल है जिसके साथ मैंने चार्जर लगवाया ताकि मैं यहाँ पे लेट के आराम से फ़ोन यूज़ कर सकूँ ना। ये बहुत ही प्यारी सी लाइटें हैं यार, इसकी जो रोब लाइट लगी हुई है ना ये ना रात के लिए बहुत प्यारी है, मैं आपको दिखाती हूँ कि रात मैंने ना कितने मज़े से इसको जलाया हुआ था, वाह कितनी कूल लग रही है। तो वाकई मैं रात को एमन मेरे पास सोई थी कि भाई बाहर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है,
उसके बाद आ जाते हैं जी अंदर रूम की तरफ। रूम हमारा जी बहुत ही प्यारा सा तैयार हुआ है। अफसोस कि आपको शॉपर्स में फर्नीचर देखना पड़ा है, क्योंकि मेरी मम्मा से मैं सारी रात में देख रही थी कि शॉपर उतारने दे। कहती हैं अभी मार के 3-4 दिन तो गुजरने दो रबिया, फिर तुम उतारती रहना शॉपर से। और जी ये है जी हमारा रूम वाला बेड, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है ना। और ये इसके साथ इनका ये होगा टेबल। और ये जी ये मैं अपने शौक से लेके आई हूँ, प्यारे प्यारे से फानूस पंखा लगना रह गया, क्योंकि ना वो मम्मा बोलती हैं कि भी थोड़ा सा मौसम वगैरह ठीक है, पंखे की इतनी ज़रूरत नहीं है, और जब बाबा आएंगे तो हम पंखा तब लगवा लेंगे। तो मैंने कहा दैट्स गुड। और ये है जी ये मेरे बहुत शौक से बनवाई थी, क्योंकि ना ये मतलब ये मैंने एक गूगल से निकाला था कि यार मतलब ये कैसे सेट किया जाए जो LED वाला एरिया। तो फिर ना LED में कितनी प्यारी आ रही, LED वाला एरिया इसको कैसे सेट किया जाए। तो फिर मुझे उसने बताया कि यार ये सीलिंग से आप ऐसे 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 करवा लें। और बस फिर अभी मामा ये हम सोदिया से जो अल्लाह और मोहम्मद के नाम लाए थे अभी हमने यहाँ पे वो लगा दिया। पहले मैंने सोचा था मैं इसके अंदर ना वो फिश वाला बाउल रखूंगी एक्वेरियम टाइप का, तो बस फिर मामा कहती है रहने दो मछलियाँ मार जाती हैं तो मैं बस दुआएं देंगे आगे, तुम दुआएं कौन सा लेती हो, दुआएं मेरे से लेती रहती हो तो ना ही लिखो। फिर मैंने कहा अच्छा चलो। और फिर यार ये नीचे ना मैंने थोड़े से दराज बना दी। यू नो आपकी बहन के पास खजाने हैं बहुत सारे, यू नो मतलब खजाने क्या है, कुछ भी नहीं है खजाना, देखो इसके अंदर क्या। वाओ मेकअप, ये खजाना है मेरी जिंदगी का, क्योंकि अभी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने सेट नहीं की, जब सेट वेट 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 हो जाएंगी फिर हम करेंगे। उसके बाद ये है जी हमारी प्यारी से कपड़ों वाली अलमारी, और यहाँ पे भी मम्मा जॉन ने परफ्यूम शर्फ्यूम और चीजें रखी हैं, इनकी भी अभी सेटिंग नहीं हुई। ओके वॉच है वो हमने कहा था कि हम किसी को दे देंगे। और इसके बाद हमने यहाँ के लिए भी बहुत ही प्यारा सा करना है, वो आपको सब कुछ ना दिखेगा। और ना बस आज का व्लॉग यहीं तक था, ये आज का नहीं है भाई साहब, ऐसे मजा बहुत आता है इन पे बैठ के, हाथ भी थक गया मेरा। हाँ तो भाई साहब ये आज का व्लॉग नहीं है, आपको लग रहा होगा बहन ने इतने दिन से व्लॉगिंग नहीं की तो कहाँ गायब थी। ये व्लॉग है जी तकरीबन 21 तारीख से व्लॉग स्टार्ट हुआ और आज है 14 तारीख, और इतना घर में गंद था। पीछे आपने सब कुछ देखा ही होगा कि किस तरह हमने पुराने सब चीज़ें निकाली, घर में पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी गंदगी थी। और बस फिर हमने कहा कि यार इंशाल्लाह सेट हो जाएगा, फिर पूरा एक ही व्लॉग चढ़ाऊंगी, क्या छोटे छोटे से मतलब व्लॉग चढ़ाना शुरू कर दूँ। अब एक ही व्लॉग आ गया, अभी आपकी बहन कहीं जा रही है, वो अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैं किधर जा रही हूँ, क्या क्या करने लगी हूँ मैं, वो भी बहुत मजे का। तो अभी तक यहाँ का व्लॉग यहीं तक था। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।